आज मैं आपको लाइनिंग के बारे में बताऊंगी। लाइनिंग से पहले बच्चे को पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए। अगर पेंसिल पकड़नी आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती तो फिर आपको सिखाना होगा। उसके लिए आपको बच्चे को क्रेयोन कलर मींस वैक्स या मोमी कलर जिसे कहते हैं वो देना होगा। उससे क्या होगा, अगर आप बच्चे को मोमी कलर पकड़ाएंगे तो उससे बच्चे का हाथ सेट होगा, वो कुछ भी बनाएगा कुछ भी करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ये एक स्केच पेन है, क्रेयोन कलर अभी मेरे पास नहीं है तो मैं स्केच से सिखा रही हूँ। आपने बच्चे को दिया, बच्चे ने पकड़ा, उसके बाद क्या होगा, बच्चा कुछ भी बनाए, ऐसे करे, सीधे बनाए, कुछ भी करे, तो बच्चे का क्या है, उससे हाथ सेट होगा। जब बच्चे का हाथ सेट हो जाएगा अच्छी तरह से, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको लाइनिंग बनाना सिखाएंगे। पहले अच्छे से उसको कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस के लिए उसे पेंसिल या फिर क्रेयोन कलर उसे पकड़ाएं। क्रेयोन से ये होगा कि बच्चा अच्छे से सीख लेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लाइनिंग। जब बच्चा पेंसिल पकड़ लेगा तो सेकंड स्टेप इज लाइनिंग, लाइनिंग सीखेगा। लाइनिंग में फोर पार्ट्स होते हैं, लाइनिंग के फोर पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगी। फर्स्ट है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग मतलब खड़ी लाइन, जैसे हम वन लिखते हैं तो ये क्या है, लाइन, स्टैंडिंग लाइन है। अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाती है, वो स्टैंडिंग लाइन है। सेकंड इज स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग मतलब सोना, सोने वाली बैठी हुई लाइन, लाइक दिस। थर्ड इज कर्व लाइन। कर्व लाइन वो क्या होती है, मुड़ी हुई लाइन, जैसे उल्टा सी सीधा सी, ये लाइन। फोर्थ है स्लैंटिंग लाइन। उसमें क्या है, जैसे रूफ होती है, हिल्स में मकान होते हैं, घर होते हैं, उसमें क्या होती है, तिरछी लाइन होती है, उसे कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। ये क्या है, ये जितनी भी लाइनें हैं ये आपको अल्फाबेट्स यूज कर, अल्फाबेट्स बनाने में काम आएंगी। जैसे कि ए बनाते हैं तो स्लैंटिंग लाइन, दो स्लैंटिंग लाइन, वन स्लिपिंग लाइन, लाइक दिस। बी बनाते हैं वन स्टैंडिंग लाइन, दो कर्व लाइन, ये देखिए हाफ कर्व, ये कर्व। थर्ड सी तो कर्व ही होता है, एंड डी लाइक स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व। ये ऐसी हमारे सारे अल्फाबेट्स बनते हैं, जैसे ए बी सी डी बताया वैसे सारे बनते हैं। मैं आपको एक एक करके स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन और स्लैंटिंग लाइन कैसे बनाई जाती है वो सिखाऊंगी। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, ये बच्चे के लिए इजी होगा अगर आप बच्चे को डेली एक घंटा प्रैक्टिस कराएंगे इसकी, ज्यादा नहीं सिर्फ एक घंटा, तो बच्चा इजीली आपका कर लेगा। स्टैंडिंग लाइन मतलब वन, वन मीन्स अप टू डाउन, लाइक दिस। पहले बच्चे को, स्टार्टिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होगी थोड़ा, आप बच्चे को ट्रेस करने के लिए दीजिए, लाइक दिस। आप अगर बच्चे को ट्रेस करने के लिए देंगे तो उसके लिए इजी हो जाएगा। जैसे आपने ट्रेस करने के लिए दिया लाइक दिस, तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चे को सिखाएंगे फर्स्ट में कि बेटा इसको ऐसे करके ये लाइन से आपको लाइन डॉट से डॉट मैच करना है, ये क्या है, आपने ट्रेस करा है। अगर आप बच्चे को ऐसे सिखाएंगे तो बच्चा इजीली करेगा, अगर आप बच्चे को नहीं बताएंगे तो फिर बच्चा नहीं करेगा। पहले पेज में आप सिंपल फोर डॉट्स देकर ही बच्चे को सिखाइए, जैसे फोर डॉट्स दे दिए, ये क्या है, आपके लिए भी इजी रहेगा और बच्चे को करने में भी इजी रहेगा, बच्चा भी खुश होके करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, टू डॉट्स देंगे, सिंपली टू डॉट्स। जब बच्चा ये पूरा वन पेज करा देंगे, नेक्स्ट पेज में सेकंड पेज में आप क्या करेंगे, ओनली टू डॉट्स देंगे, फिर उसमें क्या है, लाइक दिस, इसको ज्वाइन करेगा बच्चा ऐसे। इससे क्या होगा, बच्चे को भी स्टैंडिंग लाइन आ जाएगी। एक दिन में आप एक ही लाइन सिखाइएगा, उसके बाद जब आप ये सिखा लेंगे उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको वर्कशीट के बारे में नहीं बता रही, खाली लाइंस के बारे में बता रही हूँ फोर। उसके बाद मैं फोर वर्कशीट बनाऊंगी जिसमें स्टैंडिंग लाइन भी होगी, स्लीपिंग लाइन भी होगी, कर्व लाइन भी होगी, स्लैंटिंग लाइन भी होगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज के। सेकेंड है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में क्या करेंगे,
स्लिपिंग लाइन, इसमें तो सबको पता ही है स्लिपिंग, यही स्लिपिंग हो गई। तो स्लिपिंग लाइन में क्या करेंगे, एक टीवी लाइन होगी लाइक दिस, ये है जैसे। इसमें भी आप क्या करेंगे, बच्चे को ऐसे डॉट देंगे, ये बच्चा ट्रेस करेगा इसमें। ट्रेस करने के लिए बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा ये वाली से इसको मैच करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये क्या है, स्लीपिंग लाइन है। उसको बताएंगे भी कि हाँ बेटा ये स्लीपिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है, और ये कर्व लाइन है, और ये स्लैंटिंग लाइन है, ऐसे करके। ये हो गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। इसमें भी आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि पहले फोर डॉट्स दें, इसमें भी आपका यही होगा पहले डॉट करके ट्रेस करने के लिए दें। जब तक आप बच्चे को ऐसे देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सिंपल। सेकंड स्टेप आपका, फर्स्ट पेज में आप यही सिखाएंगे, सेकंड पेज में आप नेक्स्ट पेज में सिखाएंगे सिंपल टू डॉट्स देंगे, फिर बच्चा इजीली कर लेगा। प्रैक्टिस होगी तो बच्चा आराम से इसको डॉट्स को मैच कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा डॉट्स को। ऐसे करके आप ये बच्चे को सिखाएंगे ये क्या है, स्लिपिंग लाइन। नेक्स्ट आती है कर्व लाइन। दो लाइन सिखाने के बाद आप तीसरी लाइन में आएंगे, वो है कर्व लाइन। कर्व में क्या होता है, मुड़ी हुई होती है, मुड़ी हुई लाइन। जैसे कि सी समझ लीजिए, पहले सी बता देते हैं, ये है सी। इसमें आप पहले डॉट देंगे ऐसे, जिसमें बच्चा आराम से इसे डॉट से डॉट को मैच करेगा, ट्रेस करना है इसमें लाइक दिस। बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ जाएगी तो आराम से वो ट्रेस कर लेगा। थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी आपको स्टार्टिंग में सी में, क्योंकि ये नई चीज होगी बच्चे के लिए। उसके बाद आप सिंपल टू डॉट्स दे देंगे, लेकिन उसे सिखाएंगे पहले कि बेटा सी, ये कर्व लाइन है, सी बनाने के लिए जैसे आपने टू डॉट्स दे दिए, पहले मैं बताएंगे कि ऐसे करके ऐसे, जैसे ये सी है तो कैसे करेंगे, पहले ये वाला डॉट है, ये वाला डॉट है, पहले इसको ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। फिर आप सिंपली टू डॉट्स दे देंगे तो बच्चा आराम से सीख जाएगा, जैसे ये है सी। इसके बाद आती है स्लैंटिंग लाइन। मैंने आपको स्टैंडिंग लाइन सिखा दी है, स्लिपिंग लाइन सिखा दी है, कर्व लाइन सिखा दी है, नाउ लास्ट इज स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन में क्या होता है, स्लैंटिंग लाइन झुकी हुई लाइक दिस। इसमें आप सिंपली बच्चों को ऐसे ट्रेस करने के लिए दें, जैसे ये है। इसमें भी आपको सिंपली लाइन से डॉट्स मैच करने हैं, मिलाने हैं, बच्चा इजीली कर लेगा। उसके बाद सिंपल ऐसी वन पेज करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप इसमें भी सिखाया था, एंड सेकंड स्टेप ये है। इसमें भी फर्स्ट स्टेप यही है, एंड सेकंड यही है। आप एक एक पेज, अगर बच्चे को एक घंटा भी अगर अपने बच्चों पर फोकस करेंगे इस चीज के लिए, तो बच्चे आपको भी ईजी होगा, बच्चे का बेस क्लियर होगा। सेकंड में आप सिंपल डॉट दे दें लाइक दिस, टू डॉट्स। अगर आप एक पेज डेली का भी कराएंगे तो बच्चा आराम से इजीली कर लेगा। इससे क्या होगा, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी अल्फाबेट्स बनाने में भी। ये आपकी फोर लाइंस आज मैंने पूरी कर ली हैं, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, कर्व एंड स्लैंटिंग। इसकी मैं आपको कल या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट